वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का भी ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और डैडी ने मेरे को तैयार कर दिया है। अभी मेरा लंच भी बना दिया है। अब मैं जाऊँगा स्कूल और मम्मा वहाँ पे सो रही हैं और साई में वहाँ पे सो रहा है। और अभी टाइम बताता हूँ, 5:30 हो चुके हैं गाइस और अभी तक गाड़ी नहीं आई है हमारी। वैसे हम रेडी हैं जाने के लिए, बस गाड़ी आ जाए फिर चलते हैं और मिलता हूँ आपको आने के बाद में स्कूल से। अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी का तो ये है कि हम लोग पी रहे हैं चाय और ये देखिए साई को भी फीवर सा आ गया है आज सुबह। उसको भी देखिए पैर में भी दर्द होने लग गया, उसको पैर दबा रहे हैं इसको से रेडी। और ईशान को स्कूल आज भेज दिया है और आज सोनू ने उसको रेडी करके लंच बॉक्स दे दिया, बेड वगैरह बेड जम ला के दे दिया था। तो वो सब हो गया आज का उसका। और फीवर उस बेचारे को भी आ ही गया है, इसको भी आ गया। इसको सर्दी हो रही थी एक्चुअली साई को, इसके चलते इसको फिर उसको भी फीवर आ गया है सुबह। मेरा तो अभी ठीक है, रात को था सुबह में मैंने दवा खाई थी 5:30 बजे, बहुत ठंडा लग रहा था, 101 था सुबह भी, तो वही दवा ववा खा के फिर सो गए। तो अभी इन्होंने चाय बना दी है, बोले चाय बिस्किट खा लीजिए। देखिए चाय बिस्किट खा रहे हैं दोस्तों। तो अभी नहा लिए और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और साई को भी आज फीवर आ गया है सुबह से, मेरा थोड़ा ब्लड टेस्ट होना है तो इसके चलते, तो चलिए चलते हैं यहाँ से हॉस्पिटल आएगा। यहाँ पे एकदम पार्क आता है, तुम पहुँच गए हैं दोस्तों। अभी हॉस्पिटल आ गए हैं और अभी एंट्री करा लेते हैं, तो बुक में एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आगे चलेंगे दिखाने डॉक्टर को। हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम अपना नंबर आने का वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आता है। दोस्तों अभी टेस्ट तो करा दिया है लेकिन वही है, देखते हैं अभी रिजल्ट बोल रहा है 10 मिनट में दे देगा वो, तो फिर वही वेट करते हैं पहले आने का उसका टेस्ट का। अभी आ गए घर पर और आके हमने चाय और ब्रेड का नाश्ता कर लिया क्योंकि कुछ बनाया भी नहीं था सुबह भी, चाय बिस्किट खा के दवा ववा खा ली थी। तो बस अभी आए तो मैगी बोल रही थी, तो बोलने नहीं लेट हो जाऊँगा ऑफिस के लिए, ब्रेड ही दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है ब्रेड खा लीजिए, तो वही ब्रेड सेक दी थी मैंने। फिर अब मुझे फिर से मेरा ये सब गर्म होने लग गया एकदम, बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है दोस्तों। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को बताना है, भूल ही गई ये फीवर के चलते, कि आज है पार्थ का हैप्पी बर्थडे, जो कि मुझे आपको सुबह ही बताना था लेकिन नहीं, मेरा तो खुद का ध्यान ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो वही आज उसका बर्थडे है, तो शाम को बर्थडे पार्टी है, वहाँ जाएंगे, देखते हैं अब किस तरह जा पाएंगे, लेकिन वही है जाना तो पड़ेगा ना। फिर मिलते हैं आपसे। मैं आ चुका हूँ अब स्कूल से, ठीक है। और हमारे साई को आ चुका है बुखार। मेरे को तो अभी पता चला है, ये जब पढ़ रहा था तो दीदी ने कहा था कि आवाज़ मत करो, मैंने बोला क्यों, तो दीदी ने बताया कि इसको बुखार है, मम्मा ने भी बताया इसको बुखार खा रहा है ना साई, आपको गैस को बोल दो गैस, अब मुझे बुखार आ चुका है। अगर मौसम देखिए 3-4 दिन से लगातार ऐसा ही हो रहा है, 14 तारीख से डेली बारिश हो रही है, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम। आज देखिए सुबह से बादल हो रहे थे लेकिन बारिश अभी देखिए स्टार्ट भी हो गई। ये देखिए दोस्तों अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों साई को फीवर आ गया, तो चेक कर रही थी अभी ये, चलो चेक कर लेती हूँ पहले इसको कितना आ रहा है। दोस्तों अभी ये आए हैं और ये देखिए पूरा भींग गए हैं बारिश में, फीवर आ जाएगा वैसे ही, हम लोग तो परे हुए हैं ऐसे ही, और ज़्यादा ही आ गया है फीवर साई को, 103 फीवर है इसको। साई देखो पट्टी कर। दोस्तों साई तो अभी सो रहा है और मैं तो सो रही हूँ, तो बार बार इतना कफ आ रहा है बार बार, तो सो ही नहीं पा रही। और देखिए अभी 4 बजने वाले हैं, देखिए हमारे यहाँ मौसम क्या हाल हो गया है, ये देखिए ओह क्या कोहरा शुरू हम लोग के यहाँ पे। अब मम्मा साई का टेम्परेचर से चेक कर रही हैं अभी। दोस्तों अभी इसको दोबारा से चेक कर रही हूँ, 6:15 हो रहा है, और फिर से गर्म हो रहा है इसका माथा वगैरह। ये अभी सो के उठा है ना मम्मा?
तो आई हो गया। चलो देखिए अभी भी 102 से ऊपर आ गया, 103 होने। तो अभी थोड़ा रेडी हो गए और अभी 8 बज गया है, तो अभी हम जा रहे थे पार्थ के घर पर, उसका आज बर्थडे है तो घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चले जाते हैं। काफ़ी देर हो गया, साई को ना शाम को भी फीवर आ गया, जो उसकी पट्टी वट्टी दोबारा रखने लग गई मैं, तो वही आधा घंटा तो उसमें निकल गया। फिर तो अभी आ गए हैं पार्थ के घर पर और ये देखिए सोनू भी है और पार्थ का आज है बर्थडे। खाना दे रहा हूँ, प्याज खाएगा अभी, सॉस से खाएगा, प्याज सॉस से खाएगा, सॉस से लास्ट भाई ठंड पाले दोनों बच्चे बैठे हैं केक कट करने के लिए और इधर रियाज कैप उतार दे रहा है बार बार। ये देखिए ये एक बच्चे और हैं जो बलून से खेल रहे हैं। ये डैडी है लेकिन ये बच्चे ये डैडी है पर ये बच्चे। लोग कर रहे हैं अपने अलग से केक कटिंग और अपने खाना पीना। ये देखिए अरे देखिए सब लोग को फोटो खिंचा रहे हैं ये सब लोग। ये देखिए दोस्तों खाना लग चुका है टेबल पे। ये देखिए पार्थ भी खाना शुरू कर दिया है खाना। इधर देखिए पार्थ के ताऊ जी भी शुरू कर दिए खाना। तो अभी हम आ गए हैं पार्थ की बर्थडे पार्टी को ख़त्म करके। खूब अच्छा रहा आज का दिन, शाम भी ठीक गई। वैसे पूरा दिन वैसे जा रहा था, साई को फीवर वीवर आ रहा था इसके चलते, तो आज की पार्टी खूब अच्छे से हो गई। हम लोग पार्थ भी खुश था क्योंकि बच्चे बच्चे में ही खुश रहते हैं, तो पार्थ और साई की तो जोड़ी है ही, तो इन लोग की पार्टी हो गई। और आके मैंने देखी स्टीम भी ले ली, साई को बस स्टीम देना बाकी है अभी, और फिर करेंगे आगे का सोने की तैयारी। दवा फिर काम करेंगे अपना जो अपना होगा हमारा। फिर दवा तो हमने खाई ली, फिर चलिए फिर दूध वह देना है साई को, बाकी साई ने तो ढंग से कुछ खाया भी नहीं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं कर देती हूँ एंड। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय।